प्रिय बच्चों, आज हम जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी जीवाणु कोशिका की संरचना का जब अध्ययन करते हैं हम, तो जीवाणु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एमॉर्फस लेस्मीय म्यूकस की तरह का पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को हम स्लिम लेयर या अपवंक कहते हैं। इसके अंदर की तरफ जो जब ऐसा भाग जो कि सेल वॉल से सीक्रेट हुआ है, लेकिन उसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, वो लगभग स्थिर है या अधिक कंसंट्रेट है, तो उस भाग को हम कैप्सूल या संपुटिका कहते हैं। संपुटिका या कैप्सूल दो प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो कैप्सूल और मैक्रो कैप्सूल। माइक्रो कैप्सूल या संपुटिका उस प्रकार की कैप्सूल होती है जिसे कि सामान्यतः कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मैक्रो कैप्सूल की मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, अतः इसे आसानी से संरचना से या कोशिका से अलग किया जा सकता है। इसकी कंपैरेटिवली थिकनेस ज्यादा होती है। कैप्सूल के बाद वाला जो भाग है वो सेल वॉल कहलाता है, और जो कोशिका भित्ति है इसकी, वो कोशिका भित्ति के अंदर की ओर एक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इन कोशिकाओं की बाह्य सतह पर एक छोटे छोटे पतली नलीनुमा संरचनाएं लगी रहती हैं, जो जिसे कि हम पाइलाई कहते हैं। ये पाइलिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं और सामान्यतः जीवाणुओं में गुणन या लैंगिक जनन के समय प्रोटोप्लाज्म एक्सचेंज या यूं कहिए कि न्यूक्लिक मटेरियल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने में मदद करते हैं, या इसलिए इन्हें सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। जीवाणु कोशिकाओं में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, अतः जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसे जीनोम कहा जाता है। ये प्राय एक वृत्ताकार लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें न्यूक्लियोइड या जीनोफर भी कहा जाता है। जीवाणु कोशिका में विभिन्न महत्वपूर्ण संरचनाएं, मेजोसोम्स, राइबोसोम्स, कोटिकाएं इत्यादि भी उपस्थित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन निम्न प्रकार है। कशाबिका या फ्लैजेला। अधिकांश जीवाणु गतिशील होते हैं और उनमें जो गति के अंग होते हैं उसे हम फ्लैजेला या कशाबिका कहते हैं। ये पतला लंबा तंतुनुमा संरचना होती है जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कशाबिकाओं की संख्या है वो या विन्यास है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, इसलिए बैक्टीरिया में 9+0 प्रकार का अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर है, केंद्रीय भाग है जो ब्लेब्लोप्लास्ट से जुड़ा रहता है, उस भाग में कोई फ्लैजेला नहीं होती है, जबकि नो के नो फ्लैजेला जो है पेरिफेरल पार्ट पर जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको 9+0 कंपोजिशन कहा जाता है। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 9+2 टाइप का अरेंजमेंट फ्लैजेला का पाया जाता है। इसका मतलब केंद्रीय भाग में दो फ्लैजेला आपस में विभिन्न होते हैं और उसके बाद जो साइड वाले पेरिफेरल वाले पार्ट वाले नो फ्लैजेला होते हैं वो विभिन्न करके और फ्लैजेला का निर्माण करते हैं। इन फ्लैजेलाओं के आधार पर भी जीवाणुओं को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है एट्राइकस या एकल कशाबिका। ऐसे जीवाणु कोशिकाएं जिन पर केवल एक ही कशाबिका पाई जाती है उन्हें हम
एकल कशाबिक या मोनोट्राइकस टाइप के जीवाणु कहते हैं। इसका एग्जांपल है विब्रियो और जेंथोमोनास। नंबर टू है एम्फीट्राइकस या उभय कशाबिक। ये उस प्रकार के जीव होते हैं जिनके दोनों सिरों पर एक एक कशाबिका उपस्थित होती है। ऐसी कशाबिक विन्यास वाले जीवाणु को उभय कशाबिक या एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। स्यूडोमोनास की विभिन्न जातियां और नाइट्रोसोमोनास में इस प्रकार का कशाबिका विन्यास देखने को मिलता है। सेफेलोस्पोर सेफेलोट्राइकस सेफेलोट्राइकस या एकल गुच्छ कशाबिका। जब जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर बहुत सारी कशाबिकाओं का गुच्छा लगा रहता है तो इस प्रकार के जीवाणु को हम लोकोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और उसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, माइक्रोबैक्टीरियम आदि। भी कुछ कशाबिका लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस सिफिलोट्राइकस इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि सिफिलोट्राइकस में केवल एक भाग पर गुच्छा लगा रहता है, बहुत सारी कशाबिकाएं लगी रहती हैं, जबकि दूसरा भाग कुछ भी हो सकता है। जबकि लोफोट्राइकस में दोनों ही सिरों के ऊपर कशाबिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरिलम और साल्मोनेला बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस। जब जीवाणु कोशिका की परिधि पे चारों तरफ कशाबिकाएं लगी रहती हैं तो इस प्रकार के जो जीवाणु हैं उन्हें हम पेरिट्राइकस जीवाणु कहते हैं। एग्जांपल है इर्विनिया और एस्चेरिसिया। इर्विनिया और एस्चेरिसिया जीवाणु। एट्राइकस या एक कशाबिक। कई दफे बैक्टीरिया में किसी प्रकार की कशाबिका देखने को नहीं मिलती है तो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम एट्राइकस जीवाणु कहते हैं। इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका के अंदर जीवद्रय, जीवद्रय के बाद कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ विशेष प्रकार की डबल लेयर या सिंगल लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का प्राय निर्माण कोशिका मेम्ब्रेन से होने वाले सीक्रेशंस की डिपोजिशन के कारण होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जीवाणु को दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस प्रकार ये कोशिका को यांत्रिक एवं रासायनिक आघातों से बचाती है। सन 1884 में क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कोशिकाओं के अभिरंजन की विधि का वर्णन किया जिसके आधार पर जीवाणुओं को उनके नेचर के अकॉर्डिंग ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव प्रकार के जीवाणुओं में बांटा जा सकता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मोटी होती है, प्राय एकल स्तरीय होती हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की परसेंट 40-90% तक होती है। टिकोइड अम्ल उत्पन्न करते हैं। कोशिका भित्ति में लिपिड बहुत कम मात्रा में होता है और बहुत कम पादप रोग जनक इस समूह से संबंधित है। अधिकांश से नेगेटिव नेचर के होते हैं। कुछ पॉजिटिव ग्राही बैक्टीरिया हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बेसिलस। इसकी विपरीत अगर हम ग्राम नेगेटिव प्रकार के जीवाणुओं को देखें तो इनकी कोशिका भित्ति कंपैरेटिवली पतली होती है, कोशिका भित्ति डबल लेयर्ड होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन इसमें 1-10% तक ही पाया जाता है। टिकोइक अम्ल प्राय नहीं पाया जाता है। लिपिड अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर
जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इर्विनिया आदि इस समूह के जीवाणु हैं। ग्रैन्यूल्स कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली भित्ति को अंदर से घिरी रहती है और ये फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन और कुछ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन और कुछ पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। ये घुले हुए आहार पदार्थ के रूप में कोशिका के अंदर उपस्थित रहती है और कोशिका को आवश्यकतानों को बाहर निकालने का प्रयास करती है। ग्रैन्यूल्स कोशिका द्रव्य में कुछ रिजर्व फूड भी होते हैं जो कि पॉलीसेक्राइड्स या लिपिड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य में लिए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जीवाणुओं में अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। न्यूक्लिक मटेरियल किसी प्रकार की कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है और कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए मौजूद होते हैं जिनके द्वारा आवश्यकता अनुरूप प्रोटीन का सिंथेसिस किया जा सकता है। प्लाज्मिड्स ये कुछ जीवाणु की प्रजातियां हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल न्यूक्लिक मटेरियल होते हैं अर्थात जो गुणसूत्रों में परिवर्तित नहीं हो पाते लेकिन बाहर से क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार के अणु को हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये कोशिका में एंटीबायोटिक्स या परजीवी पौधों या जंतुओं से लड़ने में मददगार साबित होता है। मिजोसोम्स जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली का कुछ हिस्सा इनफोल्ड कर जाता है और अंदर की तरफ एक वलयाकार संरचना बनाता है जिसे कि हम मेजोसोम्स कहते हैं। ये श्वसन के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। प्राय पुनरावृत्ति के समय या कोशिका विभाजन के समय ये डीएनए का डुप्लीकेटिंग करके भी फर्दर मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। धन्यवाद।